आपका क्वेश्चन क्या है? यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है हमारा? ट्रायल एंड एरर मेथड। तो फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, कौन सी वैल्यू के फैक्टर्स होंगे? तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कितने फैक्टर्स होंगे? जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 3, दैट मीन्स 3 फैक्टर्स। ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू का कोएफिशिएंट इज 2, तो वी विल राइट 2 इनटू लास्ट कांस्टेंट दैट इज 1। तो आपका क्या आ गया? 2। अब हम निकालेंगे 2 के फैक्टर्स। तो 2 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, जस्ट वी विल सी, 1 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई को हटा देंगे, वी विल जस्ट राइट प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू है इसके अंदर। अगर ये फैक्टर्स है, ठीक है, तो y की वैल्यू अगर इसके अंदर डालेंगे तो वी शुड गेट अवर रिमाइंडर 0। ठीक है, नाउ अब आपको एक चीज और देखनी है कि हमारा जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट कुछ है या नहीं, ओनली 1 इज देयर और अदर थिंग। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 इज देयर। तो क्या करना है आपको, अगेन एक और ऐड होगा इसमें, 1/2, 1/2। ठीक है, क्योंकि 2/2 इज 1, वो पहले से ही है हमारे पास। तो अब आपके पास हो गए टोटल 6, प्लस वाले 3, माइनस वाले 3। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं फैक्टर्स। फैक्टर्स की वैल्यू कैसी आने चाहिए? सेकेंड वाले से, सेकेंड हाईएस्ट इज प्लस दिस, यानी कि प्लस 1, उससे कोएफिशिएंट देखो ओनली और कुछ नहीं, प्लस 1। तो आपका फैक्टर आना चाहिए प्लस 1, फैक्टर शुड बी प्लस 1। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी? -1। एक्स वैल्यू क्या होगी आपकी? अपोजिट ऑफ दिस इज -1। ठीक है, नाउ अब आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि आपकी एक्स की वैल्यू -1 आ जाए। आपके पास 6 हैं, टोटली सिक्स। तो -1 सिर्फ आपको क्या देखना है, ओनली ऊपर वाला, दैट इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, लेकिन जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कैसे आएगा, जस्ट आई विल टेल यू। ठीक है, तो आपका कैसे आ जाएगा, कॉम्बिनेशंस इज -1। उसका मतलब कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो प्लस माइनस p/q फॉर्म में है उसमें से एक जरूर होता है, एक जरूर होता है। ठीक है, तो -1 आ रहा है तो हम क्या लेंगे, -1/2, जस्ट वी विल टेक कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ दैट टू माइनस वाला। ठीक है, अब बाकी में देखो आप क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, सिर्फ ऊपर वाला देखना है आपको, और लेकिन नीचे यहां पर हाफ है तो ये जो प्लेन वाली वैल्यू लोगे इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, जस्ट डबल। तो आपका क्या आ गया, -1। ठीक है, और यहां पर आप +1, और क्योंकि -1 ही आना है, एंड -1, ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन आपका 1/2 है, एक 2 ले लेंगे, एक -2 ले लेंगे, तो 2 - 2 इज 0 एंड आपकी वैल्यू आ गई -1। ऊपर का ही देख रहे हैं हम, सिर्फ नीचे का नहीं देखना है। ठीक है, तो 2 - -2 इज ये वाला,
ठीक है, हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे हम, जस्ट वी विल गो फॉर फर्स्ट कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन। तो बहुत इजी है, पहले बार हम प्लस वन का ट्राई करते हैं, अगर आ गया तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, नहीं आया तो सेकेंड कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, जस्ट वी विल सी। तो अब आपको क्या करना है कि दिस जो पॉलिनोमियल दे रखा है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो एफ वन से शुरू करते हैं हम, तो हमारा क्या आता है देखते हैं, एफ वन दैट इज इक्वल टू टू वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस वन। दिस गिव्स यू, वन क्यूब इज वन इंटू टू इज टू, टू प्लस वन स्क्वायर इज वन माइनस टू माइनस वन, दिस गिव्स यू थ्री माइनस थ्री, आपका जीरो आ गया। दैट मीन्स वन सेंटर वाला हमारा एकदम सही है। वी विल गो फॉर माइनस वन नाउ, तो आपका क्या आएगा, एफ माइनस वन दैट गिव्स यू क्या देगा आपका, टू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू माइनस वन एंड माइनस वन। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस वन क्यूब इज माइनस वन, माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू, माइनस वन स्क्वायर इज प्लस, तो आपका आ गया प्लस वन, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो आपका आ गया प्लस टू एंड माइनस वन। यू विल सी माइनस टू प्लस टू कैंसल, प्लस वन माइनस वन गेट कैंसल, आपका आ गया जीरो। दैट मीन्स ये वाला भी हमारा सही है। तो आपके दो फैक्टर्स क्या हो गए, करेक्ट टू फैक्टर्स अपोजिट ऑफ दैट, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर ये निकालते हैं हम, माइनस वन बाई टू, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो ये होना ही चाहिए। तो लेट्स वी विल सी, तो आपका क्या आ जाएगा, एफ माइनस वन बाई टू दैट गिव्स यू टू माइनस वन बाई टू क्यूब प्लस माइनस वन बाई टू स्क्वायर माइनस टू माइनस वन बाई टू एंड माइनस वन। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा माइनस क्यूब इज माइनस, दैट मीन्स माइनस साइन इज देयर, टू इंटू वन बाई एट, टू क्यूब इज एट। ठीक है, नेक्स्ट माइनस स्क्वायर इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस वन बाई फोर। ठीक है, नाउ माइनस इंटू माइनस इज प्लस, टू एंड टू कट गया आपका तो प्लस वन एंड माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन यहां पर ही कैंसिल हो रहे हैं। यहां पर देखो टू एंड एट है तो वन एंड फोर, तो ये आ गया आपका माइनस वन बाई फोर, और यहां पर प्लस वन बाई फोर क्या हो गया, कट गए, दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स आपका फैक्टर क्या हो गया, माइनस में है एक्स की वैल्यू, फैक्टर इज शुड बी इन प्लस, दैट इज एक्स प्लस वन बाई टू। तो थर्ड फैक्टर आपका रहेगा एक्स प्लस वन बाई टू इज योर थर्ड फैक्टर। ठीक है,